वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना सिर्फ कल्पना मात्र ही है। हरे भरे वृक्ष धरती के वातावरण को स्वच्छ ही नहीं करते, बल्कि हम मनुष्यों के जीवन का आधार भी हैं। कल्पना कीजिए कि यदि वृक्ष पेड़ पौधे ना रहें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी। पर्यावरण को स्वच्छ रखने और उसके संवर्धन के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के तत्वाधान में प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि PIA ने कानपुर नगर निगम के साथ PIA पार्क पनकी में हरियाली महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश IAS मुकेश मेश्राम ने पार्क में एक फलदार वृक्ष का वृक्षारोपण कर हरियाली महोत्सव 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। इस समय प्रदेश में केवल 7% फॉरेस्ट कवर हैं। जीवन के लिए 33% पेड़ पौधे होना चाहिए, तभी एक खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है। 7% बहुत कम है, इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। कानपुर में काफ़ी संख्या में लोग जागरूक हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, जिसमें इस प्रदेश में इस समय केवल 7% फॉरेस्ट कवर है, यानी जो हमें जीवन के लिए 33% वनाच्छादन होना चाहिए या फॉरेस्ट कवर होना चाहिए या पेड़ पौधे होना चाहिए, तभी एक खुशहाल ज़िंदगी जी जा सकती है। लेकिन 7% बहुत कम है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कैसे जनता का आंदोलन बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं। और इस क्रम में मैंने देखा कि कानपुर में काफ़ी संख्या में लोग जागरूक हुए हैं, उन्होंने पेड़ लगाए हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं, ये एक ज़माने में आज से 10 साल पहले एक बंजर कचरा वाला ये मैदान था, लेकिन आज यहाँ पे इतनी हरियाली देख करके, इतने पेड़ पौधे देख करके ये महसूस होता है कि सभी लोग मिल करके, एकजुट होकर के, समाज मिल करके अगर कोई प्रयास करे तो निसंदेह सफल होता है, और ये उसका एक अनुपम उदाहरण है। इसी दृष्टि से हमने कहा कि यहीं पर आते हैं और जो बची खुची और जगह है उसी में पेड़ लगाते हैं। इस बार हमने जो पेड़ लगाने की सोची, वो पेड़ लगाए गए हैं फलों वाले। अक्सर ये देखेंगे आप कि बहुत सारे पेड़ फलदार जो कम होते जा रहे हैं, उसकी वजह से जंगली जीव जंतु इधर उधर भटक रहे हैं या लोगों को परेशान कर रहे हैं। जैसे बंदर है, उनके लिए बहुत सारे जो फलदार पेड़ है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। चिड़िया, कबूतर, बहुत सारे ऐसे हैं जो काल का ग्रास बनते जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है उनकी। उनके लिए भी फलदार पौधे होना, वृक्ष होना ज़रूरी है। सर, मियाविकी पद्धति के जो पार्क हैं कानपुर में भी तैयार किए गए हैं, कुछ तो तैयार हो गए हैं, उसको लेकर के क्या आगे की रणनीति है? क्या कानपुर में और भी तैयार होने बाकी है? UP लेवल में किस तरीके के काम होने हैं उसको लेकर सरकार ने एक और कदम उठाया है मियाविकी पद्धति से वन लगाने का। ख़ास तौर पे जो शहरी क्षेत्र है या ऐसी जगह हैं जहाँ पे एरिया कम होता है या भूमि का क्षेत्रफल कम होता है, उन जगहों पर सघन वृक्षारोपण पद्धति से हम ऐसे जंगल, छोटे जंगल, मिनी जंगल तैयार करते हैं जो वही फल या वही निष्कर्ष देते हैं जो बड़े जंगलों से होता है। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो सघन होता है वृक्षारोपण और दूसरा कम समय में उग जाते हैं। 3 साल के अंदर ये लगभग जंगल की शक्ल ले लेता है, जबकि सामान्य पद्धति से लगाए हुए पेड़ों को कम से कम 7, 8, 10 साल तक लग जाते हैं बड़ा होने में। मियाविकी में ये 3 साल के बाद में बड़े रूप में नज़र आते हैं। तो इसमें क्या होता है, बड़ा पेड़ लगाते हैं, एक मंझोला पेड़ लगाते हैं, एक छोटा पेड़ लगाते हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा भूमि पे एक घना कर दिया जाता है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सर्वाइव कर जाते हैं। ये जापान की पद्धति है लेकिन बहुत कारगर है। हमारे यहाँ पर भी पहले इसका महत्व रहा है। सर, एक लास्ट सवाल ये है कि कानपुर में जो वायु प्रदूषण का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ जाता है, कभी 400 तक चला जाता है, उसको लेकर के सरकार के द्वारा क्या देखिए, सरकारी तौर पर प्रयास तो होते ही हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए, परंतु जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी लगेगा कि हम कैसे अपने योगदान द्वारा वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, तो ये अपने आप में कामयाब होगा। क्योंकि न केवल
इंडस्ट्री से निकला हुआ प्रदूषण, गाड़ियों से निकला हुआ प्रदूषण, घरों में जो बहुत सारे मशीनें चलती है उनसे निकला हुआ प्रदूषण, इन सब को सोखने के लिए, कार्बन एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ होने ज़रूरी हैं। जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, आप छतों पे पेड़ लगा सकते हैं, आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं, आप अपने आसपास रोड साइड में लगा सकते हैं, पार्कों में लगा सकते हैं, ये जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्प्शन होगा।